नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल का जवाब मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इस वीडियो में, जो आपको बहुत परेशान करता है कि ये जो बजट 1 फरवरी 2020 को आया है, ये बजट क्या हमारे एग्ज़ाम में आएगा? अगर हम BCom, CA, CS, CMA या इस तरह का कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो क्या ये बजट के अंदर जो भी प्रोविजंस होंगे, क्या वो हमको पढ़ने पड़ेंगे? क्या हमारे वो मई जून में जो एग्ज़ाम आ रहा है 2020 में, क्या उस एग्ज़ाम में ये वाले प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे? तो इसी क्वेश्चन का जवाब दूंगा मैं इस छोटी सी वीडियो में। देखिए आखिर तक। मैं हूं आपका दोस्त अशोक कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एडू ट्रिक्स। तो दोस्तों, इस तरीके से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे कि कोर्स कौन सा होगा, मोड कौन सा होगा, एनुअल या सेमेस्टर, एग्ज़ाम कौन सा कब देना है, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर कब होगा, कौन सा होगा, और बजट 2020 एप्लीकेबल है या फिर नहीं है। देख लेते हैं बिना समय गवाते हुए। अगर आप BCom पास का एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं और एनुअल आपका मोड है, साल में एक बार आप एग्ज़ाम देते हैं, सेमेस्टर नहीं है आपका और एग्ज़ाम आपके होने हैं मई जून में, तो इस पर जो आपका असेसमेंट ईयर होता है वो एडमिशन के आधार पर होता है। तो आपका एडमिशन रहा होगा 19-20 का, तो 19-20 आपके लिए बन जाएगा असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर आपके लिए बन जाएगा 18-19। और बजट 2020 आपको नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, आप इससे बिल्कुल फ्री हैं। आप आराम से बस अपना असेसमेंट ईयर 19-20 यानी कि प्रीवियस ईयर 18-19 पढ़िए। इसके बाद अगर आप BCom प्रोग्राम का आपका कोर्स है और सेमेस्टर आपका मोड है, एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं मई जून में, तो इसमें जब एग्ज़ाम आप देते हैं तब वो आपका असेसमेंट ईयर होता है। तो आप जो एग्ज़ाम दे रहे होंगे मई जून, तो आप होंगे असेसमेंट ईयर 2021 में, तो इसलिए आपका असेसमेंट ईयर हो जाएगा 20-21 और प्रीवियस ईयर हो जाएगा 19-20। तो आपको जो पढ़ने होते हैं, आपको प्रीवियस ईयर के प्रोविजंस पढ़ने होते हैं, तो प्रीवियस ईयर 19-20 के प्रोविजंस आप पढ़ेंगे और जो बजट है 2020 वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसके बाद अगर आप BCom ऑनर्स कर रहे हैं, सेमेस्टर आपका मोड है, एग्ज़ाम आपके मई जून में है, तो आपका भी असेसमेंट ईयर वही होता है जिसमें आप एग्ज़ाम देते हैं। एग्ज़ाम आप दे रहे होंगे 2021 में, तो आपके लिए जो प्रीवियस ईयर हुआ, फाइनेंशियल ईयर हुआ, वो हुआ 19-20, तो आप भी 19-20 के प्रोविजंस पढ़ेंगे। बजट 2020 आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। और आखिरी, अगर आप CA, CS या CM में प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, सेमेस्टर आपका मोड होता ही है, एग्ज़ाम आपके होंगे मई या जून में, तो जो एग्ज़ाम आप देंगे, तो जब आप एग्ज़ाम देते हैं तब वो होता है आपका प्रीवियस ईयर, और इस हिसाब से 2021 बन जाएगा आपका प्रीवियस ईयर और आपके लिए 2021 के प्रोविजंस ही एप्लीकेबल होंगे। तो बजट 2020 आपको पढ़ना होगा, आपको उसके अमेंडमेंट्स पढ़ने होंगे। अब ये जो अमेंडमेंट्स आपके आए हैं 2020 में, फरवरी में जो नया बजट आया है, तो इसकी एक समराइज्ड वीडियो मैं बनाकर अभी डाल दूंगा, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं और वहाँ से आप बहुत ही कम टाइम के अंदर मैक्सिमम नॉलेज गेन कर सकते हैं कि बजट में क्या क्या चेंजेस आए हैं और पुराने और नए के आधार पर क्या क्या चेंजेस बनते हैं। आशा करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा, ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर ऐसा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।